नमस्कार मित्रों, कैम छो। आज हम बात करने वाले हैं टॉपोलॉजीज के बारे में। हालांकि हम सबने सुना तो होगा कि नेटवर्क टॉपोलॉजीज होती क्या है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो नेटवर्क टॉपोलॉजीज होती है वो क्यों होती है, हमने उसे इन्वेंट क्यों किया और हम क्यों अभी भी उसे यूज करते हैं। मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटाभाई। हेलो चालू करिए। तो सबसे पहले मित्रों, अगर हम बात करें टॉपोलॉजी के बारे में, तो टॉपोलॉजी का ओरिजिनल में मतलब ये होता है कि समझ लो अगर कोई दो या दो से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव डिवाइसेस, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे जो नेटवर्क डिवाइस है उसमें सिमिलैरिटीज ये होती है कि वो सभी नेटवर्क को यूज करते हैं, मतलब हम उसे नेटवर्क डिवाइसेस कहते हैं। तो उसका मतलब ये कि दो या दो से ज्यादा जो कॉन्जिक्यूटिव डिवाइसेस होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर डिवाइसेस जो होते हैं, अगर वो कोई एक पैटर्न में अगर हम उसे कनेक्ट करें, मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न में अगर हम उसे कनेक्ट करते तो उसे हम कहते हैं टॉपोलॉजी। तो वैसे ही अभी ये जो नेटवर्क टॉपोलॉजी है, तो नेटवर्क टॉपोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर जो नेटवर्क डिवाइसेस को एक पर्टिकुलर कोई पैटर्न में अगर हम उसे कनेक्ट कर दे तो उसे हम कहेंगे टॉपोलॉजी, मतलब नेटवर्क टॉपोलॉजी। तो अभी आप समझ सकते होंगे कि जो नेटवर्क टॉपोलॉजी होती है वो क्या होती है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो नेटवर्क टॉपोलॉजी होती है हमें उसे क्यों जरूरत पड़ती है, मतलब हम उसे क्यों यूज करते हैं। अभी समझ लो हमारा कोई एक फॉर्म है, वहाँ पे हमने बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए हैं। अभी सीधी बात है कि हमने जितने सारे डिवाइस कनेक्ट किए हुए हैं उसका मतलब ये होगा कि हमने वो सब डिवाइसेस जो है वो एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, मतलब अभी नेटवर्क में कनेक्टेड है तो सीधी बात है उसका कोई ना कोई तो पैटर्न रहेगा ही। तो वो जो पैटर्न होती है उसे हम नेटवर्क टॉपोलॉजी कहते हैं। अभी ये जो पैटर्न होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पैटर्न होती है, तो हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें उसे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो उसे कनेक्ट करना ही करना है, इसीलिए हमें नेटवर्क टॉपोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो अभी अगर बात करें कि टॉपोलॉजीज की कैटेगरीज कितनी होती है, मतलब इसमें दो टाइप की कैटेगरीज होती है, एक होती है फिजिकल कैटेगरी, दूसरी होती है एक लॉजिकल कैटेगरी, मतलब हम उसे कह सकते हैं फिजिकल टॉपोलॉजी और लॉजिकल टॉपोलॉजी। तो ये जो फिजिकल टॉपोलॉजी होती है उसमें हम जो फिजिकली जो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उसकी जो पैटर्न होती है वो आती है फिजिकल टॉपोलॉजी। मतलब फॉर एग्जाम्पल फिजिकल टॉपोलॉजी के अंदर आता है बस टॉपोलॉजी, स्टार टॉपोलॉजी, मैश टॉपोलॉजी, मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टॉपोलॉजीज है फिजिकल टॉपोलॉजी उसकी एक पर्टिकुलर पैटर्न है, मतलब वही पैटर्न में उसे कनेक्ट किया जाता है, मतलब जितने भी डिवाइसेस है उसे सबको वही एक पर्टिकुलर पैटर्न में कनेक्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल टॉपोलॉजी। जो दूसरी जो है वो होती है लॉजिकल टॉपोलॉजी। अभी लॉजिकल टॉपोलॉजी में होता ये है कि हम कोई फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करते, फिजिकल डिवाइस को जो कनेक्ट करते हैं उसे हम फिजिकल टॉपोलॉजी कहते हैं, लेकिन लॉजिकल टॉपोलॉजी का मतलब ये होता है कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है हमारे नेटवर्क के अंदर वो कौन से पैटर्न में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम कहते हैं लॉजिकल टॉपोलॉजी। अभी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो दो पीसी एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे हमारी वो पर्टिकुलर टॉपोलॉजी में, उसे हम कहेंगे लॉजिकल टॉपोलॉजी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो लॉजिकल टॉपोलॉजी होती है हमारे प्रोटोकॉल्स, मतलब कौन से प्रोटोकॉल से हमारा एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो होता है लॉजिकल टॉपोलॉजी। तो फिजिकल टॉपोलॉजी तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो जितने भी डिवाइसेस है वो कौन से पैटर्न में कनेक्टेड है, उसे हम कहेंगे फिजिकल टॉपोलॉजी। अभी मैंने एग्जांपल तो आपको दे दिया है कि फिजिकल टॉपोलॉजी में होता है स्टार, बस, मैश, फिर हाइब्रिड, इतने सारे सब टॉपोलॉजीज होते हैं। वो सब टॉपोलॉजीज के बारे में मैं एक डिफरेंट वीडियोस बनाने वाला हूँ, उसमें हम बात करने वाले हैं कि वो जो पर्टिकुलर टॉपोलॉजी है, अभी फॉर एग्जांपल बस टॉपोलॉजी है तो वो कैसे कनेक्ट होता है, उसका जो पैटर्न है वो कैसा होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो सब के बारे में हम डिटेल्ड में हर एक टॉपोलॉजी का एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि ये जो टॉपोलॉजीज होती है वो क्या होती है, हम उसे क्यों यूज करते हैं और हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ती है और कितने कैटेगरीज या फिर कितने टाइप की टॉपोलॉजीज होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वाला लाल बटन झट से दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लेन करते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आउ जो